आपको ये बताना है कि टैली प्राइम के अंदर जब भी हम कभी सेल करने जाते हैं कोई भी चीज, तो रेट अपने आप कैसे आएगा? जैसे मान लीजिए यहां पर हम हैं और ये सेल्स वाउचर में हम जाएंगे, यहां से एफिलिएट प्रेस करके जाएंगे या यहां पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये सेल्स वाउचर आ गया। अब यहां पर आएंगे तो यहां पर रेफरेंस नंबर हम लोग डाल देते हैं। रेफरेंस नंबर डालने के बाद यहां पे वो डेट आती है जिस डेट पे होगी सेलिंग। यहां पर ये अपलग डी नाम का लेजर है, इसको लगा देते हैं, एंटर करते 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 हैं, और यहाँ पे सेल्स अकाउंट का लेजर। और बाकी जो हमारा ये है, जो भी स्टॉक आइटम हमने बनाया है, जैसे मान लीजिए ये मस्टर्ड ऑयल ही है या पल्स है, ठीक है, तो अब पल्स कौन से गोडाउन में है हमारे पास, तो ये मेन लोकेशन में हमारे पास पड़ा हुआ है, तो हम 4 किलो पल्स बेच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए ये रेट अपने आप आ रहा है 124 रुपए, ये रेट जो है ना ये अपने आप आ रहा है। तो ये रेट अपने आप कैसे आ रहा है इसके बारे में बताइए। सेल करते वक्त हम सेट तो नहीं कर रहे हैं, हम तो यहाँ नहीं टाइप कर रहे हैं कि रेट क्या आना चाहिए, तो ये रेट कैसे अपने आप आ रहा है। और फिर यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी तो आप लगा ही लेंगे, तो ये सीजीएसटी हो गया और ये एसजीएसटी हो गया, ये बताइए कि ये रेट अपने आप कैसे आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये उधार में नहीं ले रहा है, देखिए यहाँ पर एक और चीज है, ये भी हमको समझाइएगा कि ये यहाँ पर जो आ रहा है तो ये एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर लास्ट तक एंटर 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 करते हुए मैं जाऊंगा तो ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, लिख रहा है क्रेडिट लिमिट ऑफ अपलग डी 500 रुपए एक्सीडेड, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्रेडिट लिमिट ज्यादा हो गया है 500 से, तो ये क्या चीज है ये भी बताइएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्रेडिट लिमिट ही बताते हैं आपको, तो हम लोग अल्टर में आएंगे और अल्टर में आके लेजर पर क्लिक करेंगे और लेजर क्लिक करके अपलग डी में जाएंगे और यहाँ पर देखिए हम लोग स्पेसिफिक क्रेडिट लिमिट सेट किए हैं 500, जिससे हम लोग जहाँ जितना भी सेट कर देंगे उससे अधिक हम लोग का खरीद वो सेल्स नहीं हो पाएगा। अब 500 का सेट कर दिया है तो 500 से अधिक ये हम मतलब इसमें सेल्स नहीं कर पाएंगे। अब इसको चेंज कर देते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए 500 था तो अब 10,000 कर लेते हैं, विंटर कर लेते हैं और एक्सेप्ट करा लेते हैं, एक्सेप्ट हो गया। अब एंट्री पास करके आपको दिखाते हैं, वाउचर में जाएंगे, सेल्स में आएंगे और यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालेंगे, मान लीजिए रेफरेंस नंबर हमारा ये हो गया और डेट है, अब पार्टी क्या था, अपलग डी था, अपलग डी करेंगे। अब देखिएगा अब हम लोग का यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट का लगाएंगे और यहाँ पर पल्स जैसे था पल्स लेंगे स्टॉक आइटम में, और ये हम लोग का मेन लोकेशन में था तो 4 kg यहाँ से पल्स लेंगे, अपने आप यहाँ पर रेट भी आ जाएगा और यहाँ CGST और यहाँ SGST लगा लेंगे और यहाँ पर देखिए आराम से एक्सेप्ट हो गया। यहाँ तो क्रेडिट लिमिट तो आपने समझ गया, अब आते हैं और हम आपको बताते हैं कि कैसे वो रेट फिक्स किया जाएगा, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड रेट बोलते हैं, अपने आप रेट आ जाता है। तो आइए आते हैं क्रिएट में, क्रिएट में आके स्टॉक आइटम में आते हैं और जैसे मान लीजिए हम लोग कोई स्टॉक आइटम बनाते हैं ब्रेड का, ब्रेड एंटर करते हैं, ये किस में आएगा, और ये तो नंबर्स में आएगा, केजी में तो आएगा नहीं, और यहाँ पे GST छोड़ते हैं, गुड्स है, और यहाँ नंबर्स के जगह पैकेट कर लेते हैं PKT में, और फिर यहाँ एंटर करते हैं और यहाँ पर MRP सेट कर लेते हैं। MRP के लिए यहाँ S करेंगे, इसको भी S करेंगे यहाँ, और यहाँ MRP रेट मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 35, ठीक। और यहाँ देखिए स्टैंडर्ड रेट कहीं नहीं दिखा रहा है, इसके लिए F12 प्रेस करेंगे और यहाँ देखिए MRP के जस्ट ऊपर प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट दिया है, इसको एस करके और CTRA ले करके एक्सेप्ट करा लेंगे। और देखिए यहाँ यूनिट्स के नीचे जस्ट नीचे यहाँ स्टैंडर्ड रेट्स आ गया, तो इसको एस करेंगे तो आपने कितने का परचेज किया है उसको यहाँ पर सेट करना है। तो मान लीजिए हमने 22 रुपीज़ का वो परचेज किया और हम कितने तक का बेचेंगे तो यहाँ पर हम सेट करते हैं, जैसे मान लीजिए 35 ही सेट कर लेते हैं, 35 में यहाँ पर 30 सेट कर लेते हैं, चलिए, और यहाँ पर एक्सेप्ट करा लेते हैं, इंटर एक्सेप्ट। अब यहाँ पर एंट्री पास करते हैं, आपको एंट्री पास करते हैं परचेज में, यहाँ पे इंटर करेंगे, सप्लाई इनवॉइस नंबर डालेंगे, मान लीजिए कोई नंबर डाल दिए,
और यहाँ पे इंटर पार्टी का नाम, यहाँ क्रेडिटर पार्टी का नाम, जैसे हमारे पास अंकुश है, अंकुश क्रेडिटर पार्टी का नाम है, इंटर करेंगे, यहाँ जीएसटी नंबर छोड़ते हैं, और यहाँ पर परचेज का लेजर लगाएंगे। तो हमने किसका बनाया था स्टॉक आइटम, ब्रेड का। तो यहाँ देखिए ब्रेड का आ गया, ब्रेड देखिए एमआरपी मार्जिन मार्जिनल रेट दिखा रहा है, तो इंटर कर लेंगे। फिर किस गोडाउन में खरीदेंगे इसको, मेन मेन लोकेशन में देते हैं कितना, और 30 पैकेट ले लेते हैं हम लोग। देखिए अपने आप आ गया ना 22 रुपीज, खरीदा हुआ रेट 22 रुपये आ गया, और यहाँ पे इंटर करा लेंगे, इंटर कर लेंगे। देखिए अपने आप यहाँ पर रेट हम लोग का आ गया, इंटर करके CGST और यहाँ SGST और इंटर इंटर एक्सेप्ट। अब यहाँ पर आते हैं सेल्स में, अब सेल्स में आपको एंट्री पास करके दिखाते हैं, यहाँ पर भी अपने आप ही रेट आ जाएगा, इंटर इंटर। और यहाँ पर अपलक डी में वो डेबिटर पार्टी का लेजर लगाएंगे, इंटर इंटर इंटर, और यहाँ पर सेल्स अकाउंट पे, और यहाँ क्या था, ब्रेड था, ब्रेड ब्रेड यहाँ एमआरपी रेट दिखा रहा है, इंटर करेंगे। ये मेन लोकेशन में हम लोग खरीदे हैं, 30 पैकेट खरीदे हैं, लेकिन बेचेंगे कितना, 20 पैकेट, 20 पैकेट मान लीजिए बेचते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपने आप ही रेट दिखा रहा है कि हम लोग कितने का बेच रहे हैं, यहाँ इंटर, और यहाँ पे भी आपका रेट दिखा रहा होगा 30 रुपीज़, हम लोग 30 रुपीज़ सेट किए थे, तो यहाँ पर 30 रुपीज़ ही दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे अभी GST लगाना है तो CGST लगाएंगे, और यहाँ पर इंटर, यहाँ SGST लगाएंगे, SGST लगाएं, यहाँ इंटर करके यहाँ एक्सेप्ट करा लेंगे।